अगर आपके घर में 12 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए तो वैक्सीन बन चुकी है और बहुतों को तो दोनों डोज तक लग चुकी है। और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोई एक वैक्सीन नहीं बल्कि दो वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। लेकिन 12 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं थी। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। DGCI ने जायकोव डी नाम की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन क्या है, ये कैसे लगेगी, ये कैसे बनी है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आप ये वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये वैक्सीन जायडस कैडिला ने विकसित की है। अहमदाबाद की लैब में जायकोव डी वैक्सीन बन रही है। ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। वहीं कोवैक्सीन के बाद जायकोव डी देश में बनी दूसरी कोरोना वैक्सीन है। वैक्सीन में वायरस के जेनेटिक तत्वों का इस्तेमाल हुआ है। 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है। इंसानों के साथ साथ अन्य जानवरों पर भी इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। वैक्सीन की प्रभाव क्षमता 66.6% रही है। जायकोव डी वैक्सीन की 3 डोज 4-4 हफ्तों के अंतराल पर दी जाएंगे। इस वैक्सीन को 2-8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। चूंकि ये वैक्सीन बच्चों के लिए बनी है तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुई के बगैर दी जाएगी, यानी उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पोलियो की ड्रॉप की तरह मुंह से तो नहीं, लेकिन इंजेक्टर के जरिए ये वैक्सीन शरीर में दी जाएगी। लेकिन इंजेक्टर के जरिए ये वैक्सीन शरीर में प्रवेश करेगी, ऐसे में दर्द ना के बराबर होगा। हालांकि अभी इसकी कीमतों के बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।